सो गाइस, आज हम लोग हैं TGL में, जो महाबलेश्वर में है, द ग्रैंड लेगेसी। और आज हमारा यहाँ आने का रीज़न ये है कि मेरी बहन की शादी थी एंड इवेंट जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं इसका व्लॉग तो मैं अलग से करूँगा, जो आप देख सकते हैं। बट फिलहाल इस व्लॉग में आज आपको मैं द ग्रैंड लेगेसी इन महाबलेश्वर का आपको होटल टूर करवाऊँगा एंड यहाँ पे जो रूम्स है एंड जो फैसिलिटीज़ है, जो सब कुछ है, वो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा एंड अलॉन्ग विद द कॉस्ट एज वेल। एंड जस्ट अ टिप, अगर आप हमारे साथ बुकिंग करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा, जो मैं रिवील करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज एलजे एंड यू आर वाचिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स। हम जा रहे हैं प्लैनेट लॉन्च की तरफ। लेट्स सी व्हाट कम्स फर्स्ट। ये बॉटम की टेंट है, आप आइए अंदर। देखिए किंग साइज बेड आएगा, एक और डबल साइड में सोफा कम बेड आएगा, बिगर साइज में वॉशरूम आएगा। यहाँ पर ये रूम काफी बड़ा लग रहा है, बड़ा है। ये जो माउंटेन टेंट जितने भी है सारे बिगर साइज में आ रहे हैं। कितने हैं यहाँ पे ऐसे टाइप के? ये पांच रूम है ऐसे टाइप के, पांच है। ओके, यहाँ पर 4% का अकोमोडेशन कम्फर्टेबली हो सकता है, क्योंकि बिगर साइज में सब कम बड़ा। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 4 पीपल ओनली कैन? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 4% का अरेंजमेंट करके रखा हुआ, अगर एक फैमिली एक साथ रहना चाहते तो रह सकते हैं। ओके, ऐसा। ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड। यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा आपको, जिससे बेनिफिट आएगा आपका। ये आएगा, ये सीट आउट एरिया आएगा। हर रूम के लिए अलग अलग सीट आउट एरिया है, जिसमें शाम के टाइम पे आप बैठेंगे बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है शाम के टाइम पे वो बहुत अच्छा हो जाता है। अभी समर है, लेकिन जब आप विंटर में आएंगे तो बेहतर ही, जिससे बढ़िया व्यू होता है यहाँ पर, क्योंकि फॉग रहते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ डिनर वगैरह अरेंज करवाना चाहें सकते हैं सर, कैंडल लाइट डिनर करवा सकते हैं आप, तो आप अरेंजमेंट करके दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माउंटेन व्यू रूम में एक फोटोग्राफिक वॉल भी है, तो अगर आपको पिक्चर्स खींचवाना है तो वो भी यहाँ कर सकते हो एंड रील्स टू। ये एलिगेंट कैटेगरी में आता है, और एक कैटेगरी है जैसे अपने जो 11 टाइप जो कैटेगरी है उसमें से एक कैटेगरी है एलिगेंट। ये इंटरनल डिफरेंस है बाकी रूम से, और इसमें कैसे एक बालकनी आता है, एक एक्स्ट्रा एरिया आता है, बाकी रूम में बाहर बैठ सकते हैं, सामने वैली का व्यू आता है इसमें। Okay. ये अभी न्यू रिड्यूस किया हुआ रूम है, इंटरवाइज बाकी रूम से अलग है। ओके, ये भी रूम बड़ा है, ये भी बड़ा है। ये वो टेंट वालों से ज्यादा बड़ा है ये वाला रूम? नहीं, टेंट वालों से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें बालकनी रहती है, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर 3% कम्फर्टेबली रह सकते हैं। अच्छा, नहीं प्राइस वाइज बालकनी वाला एक्सपेंसिव है या टेंट वाला जो ये आउटलेट वाला सेम रेट है? सेम रेट से। ओके ओके, वॉशरूम है। और ये रूम में एक अटैच्ड बालकनी भी है, इसका पूरा वैली का व्यू आएगा सामने। ये रेस्टोरेंट है हमारा, फोर एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स, हां ये लंच डिनर यहां पर ही होता है। ये
पनीर कढ़ाई, वेज चिली मिल, दम आलू, भिंडी मसाला, स्टीम राइस, दाल तिक्खा, वेज बिरयानी, दाल मखनी। रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतना मस्त खुशबू आ रहा है कि ऐसा लग रहा है अभी प्लेट लेके बैठ जाए एंड हैव दिस टेस्टी लंच। मैं सांभर से सेव। ओ सबका फेवरेट बटर मिल्क। सो अगर आप गर्मी के सीजन में आते हैं, मैंगो सीजन में, तो यहाँ पे स्पेशलिटी है, ये लोग आमरस जो बनाते हैं फ्रेश, इट्स वेरी टेस्टी। मैंने टेस्ट किया इसके लिए आपको बताऊं। और लोगों को डायबिटीज एंड ऑल होता है, शुगर फ्री आमरस सब जगह पे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो फॉर जैन पीपल यहाँ पे जैन फूड भी अवेलेबल है। तो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रैंड क्लासिक, लेगेसी और ग्रैंड रूम्स है। कम आई, ये ग्रैंड रूम आएंगे थर्ड फ्लोर पे, स्मॉल साइज में रूम्स आता है, डबल एक्विजिशन है कपल रूम। ये थर्ड फ्लोर होने की वजह से इसका व्यू देखने में आता है, स्लाइडिंग आएगा इसका, दोनों तरफ व्यू आता है इसका, एक इस तरफ का आता है, दूसरा हमारा पॉश की तरफ का। यहाँ से स्विमिंग पूल एरिया, रेस्टोरेंट एरिया। आने जाने के लिए आसान है। सो भले ये रूम्स थर्ड फ्लोर पे है, बट अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो ज़्यादा चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। ये ग्रैंड क्लासिक रूम आता है, सेकंड फ्लोर पे आता है ये। सेकंड, हाँ, ये थोड़ा बिगर साइज का रूम आएगा जिसमें किंग साइज बेड आता है और 100 बेड आता है, तो 4 कंफर्टेबली रह सकते हैं। 4 के हिसाब से वो सेटिंग किया हुआ है ऑलरेडी, कपल भी रह सकते हैं। अगर एक फैमिली एक साथ रहना चाहते तो 4 अगर है, 3 है तो एक साथ रहने के लिए ये भी कम्फर्टेबल रूम है। ये भी तो ग्रैंड है, ऊपर का भी ग्रैंड है। इसमें लेकिन रूम बड़ा है, बड़ी फैमिली के लिए कम्फर्टेबल रूम है इसका। और ग्रैंड का प्राइसिंग प्राइस है। सो ये जो पीछे आप लॉन पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे अभी अभी एक इवेंट हुआ था, मेरी बहन की शादी हुई थी यहाँ पे। इट इज़ रियली गुड, अगर आप मैरिज इवेंट्स भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ रियली नाइस प्लेस। एंड रूम्स भी काफ़ी अच्छी है, वो तो आप देख ही रहे हैं, हम आपको कैटेगरी ऑफ रूम्स भी बता रहे हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप यहाँ पे मैरिज इवेंट रखते हो, नथिंग लाइक इट, बिकॉज पीछे जो आप माउंटेन देख रहे हैं वहाँ से सन सेट होता है, तो सन डाउन और वेडिंग का एक अलग ही मज़ा है, लाइक इट्स रियली ग्रेट। ये लॉन व्यू टेंट है, ये लॉन की तरफ आता है इसलिए लॉन व्यू टेंट, सामने वैली का व्यू आता है, कॉरिडोर एरिया आता है इसको। ये भी 4 के लिए कम्फर्टेबल, थोड़ा बिगर साइज में आता है वो।
अगर इसको व्यू का रूम लेना है तो ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि बहुत अच्छा है। हाँ, बाहर लॉन जो है वो अभी जो दिखाया मैंने आपको वीडियो में वो काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, और सिटिंग एरिया भी है तो शाम के टाइम पर हाँ बाहर बैठ के चाय पीने बहुत अच्छा। रात को शाम के टाइम पे क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। 3-4 बजे के बाद थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता रहता है यहाँ पर, जिससे जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाता है। रात के समय पर बहुत ही मौसम बहुत ठंड होती है, एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट होता है और मजा आती है। बाथरूम भी नीट एंड क्लीन ही लग रहा है, नीट एंड क्लीन हो, थोड़ा स्पेशियस लग रहा है। ओके, ये बहुत ही ऑसम व्यू है और यहाँ पे है महाराजा रूम। ये मेरे महाराजा। ओह, वाओ, ये रूम में सच में महाराजा वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे महाराजा का फोटो भी तो डाला हुआ है, यहाँ पर भी फोकस रह सकते हैं। डेली कपल ही ज्यादा करके जो हनीमून कपल होते हैं ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा वैली की तरफ आता है, इंटरवाइज ग्रेड साइज डिफरेंस आता है इसका। और बाहर बैठने का भी बहुत अच्छा है, पूरा व्यू आता है सर। और ये थोड़ा दूसरे रूम से सिक्लूडेड लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग है क्योंकि पूरा उड़े से बना हुआ है। देखो जितना ऊपर से नीचे पूरा उड़े से बना हुआ है, क्योंकि वुडन से बना हुआ है, वुडन से बना हुआ है इसलिए इसको ठंडी में हो या गर्मी में हो उसमें अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और वैली का तो यहाँ पर हवा ज्यादा रहती है इसलिए धूप का ज्यादा पर इसमें आसान है, क्योंकि हवा ज्यादा है इसके अंदर। शाम के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हवा रहती है इसलिए शाम के बाहर बैठने के तो बहुत अच्छा फीलिंग रहता है। बाथरूम भी देख लेते, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा ओरियन विला है जिसमें 3 बेडरूम्स आते हैं, जैसे महाराजा आपने पहले देखा उसे वैसे ही आएगा, सिर्फ इसमें 3 बेडरूम्स आते हैं, एक छोटा हॉल आता है। और ये इसका भी बाहर का हम लोग सिटआउट एरिया का आपको दिखा रहे हैं, बिगर साइज में सिटआउट एरिया आता है, थोड़ा प्राइवेट रहेगा इसी ओरियन के लिए। दोनों तरफ आता है उसका होता है। और ये यहाँ से एंट्री है ओरियन रूम का, और ये है 3 BHK विला। और अब हम आए हैं एक्वा सूट, दिस इज द एक्वा एंड देयर इज द सूट। सो ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ पे, बिकॉज ये रूम अगर आप बुक करते हो प्राइवेट पूल ये बेडरूम में 3 लोग है वो नॉर्मल आएगा। ओके, और ये सेम रूम से अटैच्ड अनदर रूम है, और यहाँ पे सिर्फ इसमें आपको जो पार्ट का पता है जो वीनर का फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, जकूजी। दोनों में से एक रूम जो है बड़ा वाला जिसमें जकूजी आता है। हाँ, बेड भी काफी बड़ा है, यहाँ पे भी 3 लोग जैसे इंटीग्रेटेड है। हाँ। और बाहर से एंट्रेंस भी अलग है, अगर 2 कपल है वो भी रहना चाहते हैं, फैमिली एक साथ रहना चाहते हैं तो वो भी एक साथ में रह सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, एंट्रेंस भी अलग है। बट जो स्वीट है इसका सबसे बेस्ट पार्ट इज बाहर निकले और प्राइवेट पूल। ये एक दो टिका ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बिगर साइज में 4 पर्सन कंफर्टेबली रह सकते हैं, और जाकू भी बाट कर पाते हैं इसके अंदर। मतलब
एक्वा का हाफ एक्सोटिका, ऐसे समझ सकते हैं, विद जकूज़ी। ओके, और ग्लास डोर। हाँ, तो स्पेशियस आता है। अच्छा, ये ओपन भी हो जाता है जी। ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं अंदर से, तो और जकूज़ी का एंजॉयमेंट भी आप ले सकते हो। पूरा वुडन का है, राइट? पूरा वुडन से बना हुआ है टोटली, क्योंकि थोड़ा चीप बिगर साइज में आता है, 3% कंफर्टेबली रह सकते हैं, किंग साइज में आता है, सोफा कम हो जाता है, और पूरा वुडन से बना हुआ है। जो प्लैनेट वाले रूम्स है ये उससे एक्सपेंसिव है या वही रेंज में? वुडन से बने हुए हैं ना वो, थोड़े एक्सपेंसिव है। ओके, बाकी रूम के कंपैरिजन में जो वुडन से बने हुए सारे रूम एक्सपेंसिव है। ओके ओके, बाथरूम भी काफी नीट एंड क्लीन है, इंटीरियर्स भी काफी अच्छे हैं। ये वेगा रूम है, ये भी पूरा वुडन से बना हुआ है, स्पेशली पार्किंग के नजदीक इसलिए बनाया है क्योंकि जो चलने उतरने में जिनको तकलीफ होती है, जैसे सिटीजन हो या हैंडीकैप हो, तो उनके लिए आसानी हो, इसलिए ये कंफर्टेबल उनके घर में हो जाता है। इसी भी कपल कोई भी रह सकता है, तो उनके लिए स्पेशली कंफर्टेबली पड़ जाता है क्योंकि पार्किंग के नजदीक में आता है, स्टेप्स नहीं, चढ़ने उतरने में तकलीफ नहीं है ज्यादा। जिसको भी एक सीट और एरिया, तो मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ, इसका भी वॉशरूम काफी स्पेशियस है। सेम जैसे महाराजा रूम का है वैसा ही है, वैसा ही है, सेम यहाँ का। ये यहाँ का सेट आउट है, सो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपने देखा TGL में काफ़ी वैरायटी ऑफ रूम्स है, देर आर 11 वैरायटीज ऑफ रूम्स, हर एक के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एज वाइज और फैमिली टाइम, सब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रूम्स है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। और जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट ऑफ़र मिलेगा, तो अब मैं आपको उस ऑफ़र के बारे में बताती हूँ। सो अगर आप 31 मई के पहले हमारे थ्रू बुकिंग करवाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट ऑफ़र मिलेगा, एंड आफ्टर दैट इट्स गोना बी 5%। ले ले। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद वाले पार्ट के लिए वेट करना, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वेडिंग इवेंट्स कैसे होते हैं, और अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, तो हम आप डायरेक्टली हमको रीच कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करवाते हैं वेडिंग इवेंट्स के लिए भी, तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छे बजट में आप यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हम अपलोड करने वाले हैं वो आप मिस ना करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।